हेलो एवरीवन, हाय, मैं हूँ प्रीना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप लोगों के लिए स्पेशली अमेज़न से बॉटम हॉल लेके आई हूँ और इसमें मैं आपको 11 बॉटम दिखाने वाली हूँ जिनको आप अपने तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। आप चाहें तो उन्हें कुर्ती के नीचे भी पेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो उन्हें टॉप के साथ में भी पेयर कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे उनके साथ में स्टाइलिंग करना चाहते हैं। और बॉटम हॉल में मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं गिव अवे के विनर्स जो है वो अनाउंस करूंगी, तो वीडियो के एंड में मैं गिव अवे के विनर्स अनाउंस करूंगी। तो पहले वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा क्योंकि 11 बॉटम्स है, बहुत अच्छा और मेरे ख्याल से लंबा वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में जितनी भी कुर्तियां मैंने पहनी है इनके वीडियो कल और परसों में मेरे चैनल पे अपलोड हो रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो बॉटम्स का ऑर्डर आज प्लेस कर सकते हैं और कुर्तियों का ऑर्डर कल परसों में हॉल वीडियो देख के परचेज कर सकते हैं। बने रहिएगा चैनल पे क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आगे और आने वाले हैं। तो चलिए हॉल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहली जो है वो एक स्कर्ट है और ये आप देख सकते हैं कि येलो कलर की स्कर्ट है और इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बेल्ट मिल जाती है जिसपे आपको एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाता है। स्कर्ट ट्रांसपेरेंट है हल्की सी, तो आपको इसके अंदर साइकिलिंग शॉर्ट्स पहनना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर आपको लाइनिंग लगी हुई नहीं मिलती है। इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं येलो कलर का इसका बेस है और नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो इतना सुंदर इस पे जो एम्ब्रॉयडरी का काम है वो मिल जाता है। आप चाहे तो वैसे इस स्कर्ट को डांडिया में भी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने इससे यहाँ पे, मैं साइड में आपको दिखा रही हूँ, मैंने एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती के साथ में इसे पेयर किया है और ये पहनी हुई बहुत सुंदर लग रही थी। आप चाहे तो इसे किसी बेसिक कुर्ती के साथ में भी पेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती के साथ में भी इसे पेयर कर सकते हैं। और आप देखिए इसमें जो एम्ब्रॉयडरी है वो कितनी फिनिशिंग से की हुई है, धागे कितने बेहतरीन तरीके से पिरोए हैं, आप देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे हम ये देख लेते हैं इसके ऊपर ओरिजिनल मिरर्स हैं और ये मिरर्स इसके ऊपर पेस्ट किए गए हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। शाइन आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, इसका एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट बहुत अच्छा है और आगे भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है। और स्कर्ट में आप लोगों को यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पीछे की तरफ भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिलती है और यहाँ पे आपको इसमें डालना पड़ेगा नाड़ा, जो कि अभी फिलहाल इसमें नहीं है, यहाँ पे आपको नाड़ा डालना पड़ेगा। और इसकी कमर की अगर मैं बात करूँ तो इसकी कमर अराउंड 36 तक है, तो आपकी कमर अगर 36 तक भी है तो ये आपको आसानी से आ जाएगी। लेंथ इसकी मैं आपको देख के बता देती हूँ, लेंथ इसकी अराउंड 5'8" हाइट अगर आपकी है ना तो भी आपको फिट आ जाएगी, और अगर आपकी हाइट लेस देन 5'5" है तो आपको इसको ऑल्टरेशन कराना पड़ेगा। है स्कर्ट का एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। अगर आपको ये स्कर्ट पसंद आती है तो इसमें और भी सारे शेड्स हैं, आप मेरे माय हॉल स्टोर में आपको ये सारे बॉटम्स जो है वो मिल जाएंगे। क्लिक कीजिए और जाके देखिए कि आपको इसमें और भी कोई कलर पसंद आता है तो आप आपके लिए बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक कॉटन का चिकनकारी बॉटम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि क्रीम कलर का है, इसमें यहाँ पे आपको इलास्टिक मिल जाती है, ये आपको फ्री साइज मिलता है और अगर आपकी कमर कुछ अराउंड 38 तक है तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। इसकी जो इलास्टिक है वो इतनी स्ट्रेच हो जाती है, बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं है, जो नॉर्मल बॉटम्स हमारे स्लाइटली ट्रांसपेरेंट रहते हैं ये वैसा ही है। और कुर्ती के नीचे पहनने के बाद में ये आपको कंफर्टेबल रहेगा। कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी रिसीव हुई है, बहुत रिच कॉटन हमें रिसीव हुआ है, बहुत सुंदर है यार, बहुत सुंदर। इसकी तो मैं जितनी तारीफ करूं कम है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको इसमें थ्रेड वर्क जो है वो मिल रहा है, चिकनकारी वर्क, तो इतना सुंदर इसपे चिकनकारी जो वर्क है वो आपको मिल जाता है। ये आप किसी भी, मैं बोल रही हूँ, कुर्ती के साथ में मैच कर लीजिए, बेसिक कुर्ती के साथ में, मल्टी कलर कुर्ती के साथ में, कि पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा है, फिट वाइज भी बहुत अच्छा है। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। मेरे हिसाब से ये मस्ट बाय है आज के हॉल में, जितने बॉटम्स हैं एक्चुअली सभी मस्ट बाय है, ये आपके पास में होना ही चाहिए। और इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूं तो अगर आपकी हाइट लेस देन 5'5" भी है तो भी आप इस बॉटम को आराम से बाय कर सकते हैं, आपको लंबा नहीं पड़ेगा। और अगर आपकी हाइट टॉल है अराउंड 5'8" तक भी तो भी आप इसे बाय कर सकते हैं, ये आपको लेंथ में छोटा नहीं पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट बॉटम दिखाती हूँ। नेक्स्ट जो बॉटम है वो मैं आपको यहाँ पे ये दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरीके से पार्टी वेयर बॉटम है, रेयॉन फैब्रिक का है ये। इसकी कमर बहुत, ये शायद फ्री साइज है, यस ये फ्री साइज है, आपकी कमर अराउंड आप देख लीजिए 38 तक भी है, तो इसकी इलास्टिक जो है बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रही है। इसमें आपको अंदर बांधने के लिए नाड़ा भी मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये कम्प्लीटली पार्टी वेयर बॉटम है, सुपर गोटा पट्टी का जो डिजाइन है वो इसमें दिया गया है। इसे आप ग्रीन,
प्रिंटेड कुर्ती के साथ में भी मैच कर सकते हैं, इसे जरी के धागे वाली कुर्ती के साथ में भी आप मैच कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई भी पार्टी वेयर सिल्क की कुर्ती के साथ में आप इस प्लाजो को मैच कर सकते हैं। आप देख लीजिए, इसमें आपको इस तरीके से जो घेर है वो मिल जाता है एक लेग के प्लाजो में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको गोटा पट्टी की जो डिटेलिंग है वो मिल जाती है। आगे की तरफ भी मिलती है इस प्लाजो में डिटेलिंग, और यहाँ पे आप देखेंगे तो पीछे की तरफ भी मिलती है। बहुत सही प्लाजो है ये, और इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। आप जाके देखिएगा अमेजोन पे, इसमें रेड भी है, ये ब्लू है, मरून है, रेड है, व्हाइट है, आपको जो पसंद आए आप ले सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में रिसीव हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं कपड़े का क्वालिटी, कैमरे में ही आपको देख के पता पड़ रहा होगा। सॉफ्ट है, अगर गर्मी के टाइम में भी किसी फंक्शन में पहनेंगे ना तो ये मेरे ख्याल से इतना अच्छा फैब्रिक है कि पसीना भी सोख लेगा, लेकिन लुक आपको बहुत अच्छा देगा। तो आप चाहे तो इसे भी बाय कर सकते हैं। ये भी पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका एग्जैक्ट प्राइस जो है मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट जो बॉटम है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये ब्लैक कलर का प्लाजो है, ये पार्टी वेयर प्लाजो है, ये भी रेयन फैब्रिक का है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक है। यहाँ पे आप देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्मूथ फैब्रिक है, तो ये गर्मी में भी अगर आप पहनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप एवरीडे वेयर में पहनना चाहते हैं कि किसी पार्टी में पहनना चाहते हैं। नीचे आपको कुछ इस तरीके से गोटा पट्टी की जो डिटेलिंग है वो आपको मिल जाती है। ये भी मीडियम लेंथ का है, तो शॉर्ट हाइट गर्ल्स और टॉल हाइट गर्ल्स दोनों के लिए एकदम परफेक्ट है। और आप यहाँ पे देखिए आगे की तरफ और पीछे की तरफ दोनों तरफ आपको गोटा पट्टी की डिटेलिंग वाला जो डिजाइन है वो आपको बॉटम पे मिल जाता है। इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, आपको जो पसंद आए आपके लिए बाय कर सकते हैं। मैं आपको इसे कुर्ती के साथ में पेयर करके दिखा रही हूँ, ये भी पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था, और इसका भी एग्जैक्ट प्राइस जो है मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, और इसकी गोटा पट्टी भी बहुत ज्यादा, मैं आपको एक क्लोज लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से की गई है, ये भी मस्ट बाय है। किसी भी कुर्ती के साथ में आप मैच कर लीजिए, किसी भी कलर की कुर्ती के साथ में आप मैच कर लीजिए, परफेक्टली जाएगा। तो आप कहीं पे भी किसी भी फंक्शन में पहन के जाइए, एकदम मस्त लगेगा। चलिए मैं आपको नेक्स्ट बॉटम दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको ब्रोकेट की एक स्कर्ट मिल जाती है, इसमें भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे। बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्रोकेट स्कर्ट है, और इसमें आपको अंदर की तरफ आप यहाँ पे देखेंगे तो लाइनिंग भी लगी हुई मिलती है। किसी भी पार्टी वेयर कुर्ती के साथ में आप मैच कीजिए, बेसिक हो, प्रिंटेड हो, जरी के धागे की एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती हो, कुछ भी हो, उसके साथ में ये ब्रोकेट स्कर्ट जो है बहुत अच्छी लगेगी। रामा ग्रीन कलर की है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं सुपर वाला तगड़ा वाला घेर है, प्लस अगर आप शाइन की बात करें तो वो आपको कैमरे में ही दिख रहा होगा, टू टोन में ही आपको मिलता है। इसमें आपको गोल्ड और रामा ग्रीन कलर जो है धूप छांव वाला इसमें आपको जो शेड है वो मिल जाता है, और इसकी लेंथ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आप चाहे तो इसे ऑल्टर भी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऊपर से आप देंगे टेलर को तो वो ऑल्टर कर देगा अगर आपकी हाइट लेस देन 5'5" है तो। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, ये भी मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ, इसे मैंने अपनी कुर्ती के साथ में मैच किया है। आप चाहे तो किसी जो टॉप के साथ में भी आप चाहे तो मैच कर सकते हैं, चाहे तो शॉर्ट कुर्ती के साथ में भी इसे मैच कर सकते हैं पार्टी वेयर, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ में कैसे स्टाइलिंग करना चाहते हैं। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स मिल जाएंगे, जो आपको पसंद आए आपके लिए बाय कर सकते हैं। एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। रही बात आप कमर की, तो कमर मैं आपको इसकी देख के बता देती हूँ, ये ज्यादा वो चौड़ी नहीं है, अगर आपकी कमर कुछ अराउंड 35 तक है तो ही ये आपको आएगी। मोर देन 35 आपकी अगर कमर है तो फिर ये आपको टाइट पड़ेगी, नहीं आएगी। तो नेक्स्ट जो है वो भी एक आई गेस ये भी FBB की ही है, सृष्टि ब्रांड की है, और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कॉटन की स्कर्ट है, धांसू आई है ये, और इसका कलर जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। देखिए आप इस तरीके से, आपको कॉटन की स्कर्ट है, घेर वाली, तगड़ा घेर है इसमें, और बहुत अच्छा प्रिंट जो है वो आपको इस पे मिल जाता है। ब्लू कलर का है, नीचे की तरफ भी मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप देखिए ऑल ओवर आपको जो प्रिंट है वो स्कर्ट के ऊपर मिल जाता है। सिमिलर प्रिंट जो आगे है वही प्रिंट आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ भी आपको मिल जाता है। मैंने इसे आपको टॉप के साथ में भी पहन के दिखा रही हूँ, मैं इसे आपको कुर्ती के साथ में भी पहन के दिखाऊंगी, जिसके साथ में आप चाहे इसे पेयर कर सकते हैं। साइड में आपको बांधने के लिए डोरी मिल जाती है, और इसकी कमर को हम देख लेते हैं। मैंने ये कौन से साइज में मंगाई है, ये मैंने मीडियम साइज में मंगाई है, और इसकी इलास्टिक देख लेते हैं। इसकी इलास्टिक स्ट्रेच हो रही है आराम से, अगर आपकी अराउंड 36 या 38 तक कमर है तो आपको आराम से आ जाएगी। अभी ये और स्ट्रेच होगी, बट इसमें एक्चुअली अंदर नाड़ा भी डाला हुआ है ना, तो उसकी वजह से ये ज्यादा खिंच नहीं रही है। लेकिन घेर देख लीजिए आप, स्कर्ट में घेर धमाकेदार है,
बहुत सही लग रही थी ये पहनने के बाद में। कॉटन मटेरियल की है, इसमें लाइनिंग आपको नहीं मिलती है, लेकिन ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो आप चाहें तो इसे भी बाय कर सकते हैं। बहुत अच्छी लग रही है पहनने के बाद में की। ये थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा है, बहुत थोड़ी सी लेंथ में ज्यादा है, तो मे बी अगर आपकी हाइट लेस देन 5'5" है तो आपको 1-2 इंच का हील इसमें पहनना पड़ेगा, और अगर आपकी हाइट अबव 5'5" है तो आप फ्लैट्स के साथ में भी पहन सकते हैं और हील्स के साथ में भी पहन सकते हैं। दोनों तरीके का प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। जितने भी बॉटम मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपको इनमें से कोई भी बॉटम पसंद आता है तो आज ही जाके ऑर्डर प्लेस कर लीजिएगा, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि ये बाद में बचे आप लोगों के लिए, फटाफट आउट ऑफ स्टॉक होने के चांसेस है। और यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से, अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक रेयॉन फैब्रिक की स्कर्ट। ये बेसिक ब्राउन स्कर्ट है, इसे भी आप चाहें तो आपने किसी कुर्ती के साथ में मैच कर सकते हैं, चाहे तो आप इसे किसी भी टॉप के साथ मैच कर सकते हैं। लीबा फैब्रिक है और आई गेस ये भी डीएनसी कुछ इसका ब्रांड का नाम है, और ये मैंने ली है मीडियम साइज में, और ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में रिसीव हुई है। जैसी मेरी वाइट स्कर्ट है रेयॉन फैब्रिक की, सेम ये स्कर्ट है फैब्रिक वाइज, लेकिन बस कलर इसका ब्राउन है। मुझे ये पर्सनली बहुत अच्छी लगी, ये भी आप किसी भी कुर्ती के साथ में मैच कर सकते हैं, किसी भी शेड की कुर्ती के साथ में ये जाएगी, चाहे रेड हो, ब्लू हो, ग्रे हो, ऑरेंज हो, कोई भी कलर की कुर्ती ले लीजिए, इसके साथ में इजीली मैच के साथ जा सकती है। इस स्कर्ट की लेंथ ज्यादा नहीं है तो ये परफेक्ट है शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए भी और टॉल हाइट गर्ल्स के लिए भी। और मैं आपको दिखा देती हूँ मीडियम साइज जो है इसकी कमर भी अच्छी स्ट्रेचेबल इलास्टिक है इसकी, आपकी कमर अगर 36 या 38 तक है तो आपको ये आराम से आ जाएगी। ओके, ये इस तरीके से कॉटन की व्हाइट कलर की स्कर्ट है और ये मैंने ली है मीडियम साइज में, और ये FBB ब्रांड की है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं मीडियम साइज में इसकी जो कमर है स्ट्रेच हो रही है इलास्टिक कुछ अराउंड, अगर आपकी कमर 34 तक है तो आपको ये आसानी से आ जाएगा। कॉटन की फ्रिल वाली स्कर्ट है, प्योर व्हाइट कलर में है, अच्छा खासा इसमें घेर है, ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसमें आपको लाइनिंग भी लगी हुई मिल जाती है। और इसका प्राइस मैं देख लेती हूँ, 799 इसका प्राइस है, लेकिन मुझे पता नहीं अगर इस पे कोई डिस्काउंट चल रहा हो अमेजोन पे तो, क्योंकि मैंने तो कुछ आप लोगों के लिए 20 पीसेज ऑर्डर किए थे बॉटम के, जिसमें से 11 मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं 11 का अभी हॉल बना रही हूँ, अभी एक बॉटम हॉल वीडियो और आएगा आप लोगों के लिए। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेंथ इसकी प्रॉपर है, मीडियम लेंथ है, परफेक्ट है ये स्कर्ट शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए भी और टॉल हाइटेड गर्ल्स के लिए भी। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, ये मस्ट बाय है, ये आपकी किसी भी शेड की कुर्ती के साथ में चली जाएगी, किसी भी पैटर्न के डिजाइन की स्टाइल की कुर्ती इसके साथ में चली जाएगी, इसलिए आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। ये तो बहुत सही लग रही थी पहनने के बाद में, और मैंने इसे लास्ट टाइम के हॉल वीडियो में भी दिखाया था, तब भी इसे काफी ज्यादा लोगों ने बाय किया है, तो आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं, मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। लाइनिंग इसके अंदर है, मैं एक बार फिर से आपको बता रही हूँ, और परफेक्ट है शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए भी और टॉल हाइटेड गर्ल्स के लिए। जो 10th बॉटम है ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर का है और इस ये स्लाइटली ट्रांसपेरेंट है, बट अगर आप कुर्ती के साथ में पहनेंगे तो परफेक्ट रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए आपको रेड कलर का बॉटम मिलता है, मैं क्लोज लुक दे रही हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके ऊपर भी रेड कलर का जो थ्रेड वर्क है वही किया हुआ है, रेड के ऊपर रेड थ्रेड वर्क है, इसलिए शायद आपको उतना समझ में ना आए, इसलिए मैं आपको और क्लोज लुक दे रही हूँ, बहुत अच्छे से देखिए, रेड के ऊपर रेड कलर का ही जो थ्रेड वर्क है वो आपको मिल जाता है, मतलब एम्ब्रॉयडरी जो है वो मिल जाती है, और चिकनकारी स्टाइल में ही है ये, बहुत सुंदर है। नीचे की तरफ भी आपको मैं दिखा रही हूँ, कुछ इस तरीके से आपको जो डिजाइन है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप देखिए, गौर से देखिए ताकि आपको दिखे, क्योंकि सेम कलर है ना तो थोड़ा हो जाता है कभी कभार, तो इस चक्कर में यहाँ पे आप देखिए कुछ इस तरीके से आपको जो एम्ब्रॉयडरी है वो इसमें मिल जाती है, इसमें भी आपको और कलर्स मिल जाएंगे। ये भी मीडियम लेंथ का है तो परफेक्ट है शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए भी और टॉल हाइट गर्ल्स के लिए भी। कोई भी ऐसी आपके पास में कुर्ती हो जिसके साथ में थोड़ा सा मतलब रेड पाइपिंग लगी हुई हो, या फिर रेड टैसल लटके हुए हो, या आपने अगर रेड लिपस्टिक लगा रखी हो, कुछ भी अगर आपके आउटफिट में स्लाइटली सा भी रेड है ना, आपका बैंगल या आपका कुर्ती में या फिर आपके लिपस्टिक, तो आप इसे पेयर कर लीजिएगा, तो ये ऑल ओवर सेट ना बैठ जाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका भी क्वालिटी जो रिसीव हुआ है वो बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, तो आप चाहें तो इसे भी बाय कर सकते हैं। इसकी भी कमर देख लेते हैं, अच्छी स्ट्रेचेबल इसकी कमर है, फ्री साइज में ये आता है,
अगर आपकी कमर कुछ आराम से 38 तक है तो देख लीजिए ये कितना स्ट्रेच हो रहा है, तो आपको चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। आप चाहे तो इसे भी बाय कर सकते हैं, इसका एक्सैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। मैं यहाँ साइड में फोटोग्राफ लगा रही हूँ। ये टॉप के साथ में पहनने के लिए बहुत सही है, ये स्कर्ट और प्लाजो दोनों अटैच आपको मिलते हैं। ये भी बहुत अच्छा सॉफ्ट फैब्रिक का है, रिसीव हुआ मुझे। कमर पे मारने के लिए आपको बेल्ट मिल जाती है इस तरीके से। मैं यहाँ पे आपको पहन के दिखा रही हूँ, बारिश के सीजन में तो ये पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा, या फिर आप कभी भी पहनिए, कंफर्टेबल इसका फैब्रिक है। इसका फैब्रिक का जो है नाम वो मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी ताकि कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हो। इलास्टिक आपको इसमें मिल जाती है। ये मैंने लिया है, क्या साइज है ये, साइज 32 है जो मैंने लिया है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, हाँ इसका, इसकी कमर जो है 32 तक ही स्ट्रेच हो रही है, उससे ज्यादा अगर आपकी कमर है तो नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से ये साइज टू साइज डिपेंड करेगा इसका जो कमर है। और इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, फ्रिल फ्रिल आपको इसमें जो डिजाइन है वो मिल जाता है। पहनने के बाद में काफी अच्छा लग रहा था। ये कुर्ती के साथ में तो नहीं जाएगा, इसे आप टॉप के साथ में मैच कीजिए और पहना हुआ बहुत अच्छा लगेगा, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश का मौसम हो। मुझे ये परफेक्टली फिट लगा, थोड़ा सा कैजुअल भी है और स्मार्ट भी लुक दे रहा है, तो आप चाहें तो इसे भी बाय कर सकते हैं। ये भी परफेक्ट है शॉर्ट हाइट गर्ल्स के लिए और टॉल हाइट गर्ल्स के लिए, बहुत ज्यादा इसका लेंथ नहीं है, तो आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी और जो प्रिंट क्वालिटी है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फ्रिल के साथ में आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसमें आपको फ्लावर्स का जो प्रिंट है वो मिल जाता है। बहुत अच्छा रिसीव हुआ है, ट्रस्ट मी। एक्चुअली जितने भी बॉटम मुझे रिसीव हुए हैं वो सब मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी के रिसीव हुए हैं। आप कोई भी बॉटम ले लीजिए, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 11 बॉटम पहनने के लिए 11 कुर्तियां भी मैंने पहनी है, तो मेरी जो मेहनत है उसे सपोर्ट कीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलिए बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब बात कर लेते हैं गिव अवे के विनर्स की, तो ऋतु वर्मक जी विनर है, इसके अलावा अलीम शरीफ जी जो है वो विनर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी लोगों को। झांसी झांसी विनर है, मैं आप सभी लोगों की आईडी लगा रही हूँ ताकि आप कंफर्म कर सके कि आप ही विनर है। दीपिका कटारे जी विनर है और इसके अलावा निशा शर्मा जी विनर है। और आप सभी लोग मुझे मेरी मेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम कुर्तीज के साइजेस के लिए डिस्कशन कर सके। कॉन्ग्रेचुलेशंस।